Sonny! Please help me. मेंटली स्ट्रांग कैसे होते हैं और मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, ये हमको मिलकर के आज फाइंड आउट करना है। पहले ये देखना है कि फिजिकली स्ट्रांग होने का मतलब क्या। सर, फिजिकली स्ट्रांग को कह सकते हैं कि जिसके पास स्ट्रेंथ, स्टैमिना और एंड्योरेंस तीनों हो तो उसे फिजिकली फिट कहते हैं। एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। क्या हम ये कह सकते हैं उसकी मसल स्ट्रांग हो? हाँ, क्योंकि कुछ भी लिफ्ट करने के लिए, वेट उठाने के लिए मसल्स का स्ट्रांग होना जरूरी है। मसल्स वीक होंगी तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसमें बोन्स भी आ गई, मसल्स भी आ गई, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, उसको हम फिजिकल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। अभी यही फंडे जो हम फिजिकल में देख रहे हैं, इसी को मेंटली देख करके और फिर समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि उसका मतलब क्या। कि फिजिकल स्टेमिना तो हमको समझ आता है कि फिजिकली हम जल्दी ना थके। कोई बंदा है, उसने थोड़ा बहुत काम किया, एकदम से थक गया, तो इसका मतलब फिजिकली स्ट्रांग नहीं है। जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे ही अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, हल्का सा भी दर्द होता है तो छोड़ देते हैं, छुई मुई टाइप के, है ना। तो बड़ा दर्द हो रहा है भाई, दर्द नहीं होगा तो बनेगी कैसे, है ना। राइट सर, तो हल्का सा भी कुछ होता है तो छोड़ देते हैं, एंड्योर नहीं कर पाते हैं पेन को। यस सर, तो पेन को एंड्योर करने की जितनी हमारे अंदर पावर है उसको हम एंड्योरेंस बोल सकते हैं। सर, मेरे हिसाब से फिजिकली स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीमारियों से दूर होना चाहिए उसे। अगर मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें फिजिकली स्ट्रांग दिख रहा है पर्सन, बट वो होता नहीं है। यानी कि एक बंदा हो सकता है वो फिजिकली हमको स्ट्रांग बाहर से दिख रहा हो और वेट भी बहुत अच्छा लिफ्ट कर रहा हो और, लेकिन उसकी इम्यूनिटी वीक हो। यस सर, तो हम कह सकते हैं अंदर से वो बंदा कितना स्ट्रांग है, यानी कि जो भी डिजीजेज है, मतलब जो भी बीमारियां हैं उनसे लड़ने की उसके अंदर कितनी पावर है उसकी बॉडी के अंदर। यस सर, एक तो फिजिकल पावर, एक है उसकी इम्यूनिटी हम बोल सकते हैं। यस सर, अब एक एक करके इन पॉइंट को देखते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ में किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात हमने करी फिजिकली स्ट्रांग होने का मतलब क्या, स्ट्रेंथ, मतलब आप कह लो वेट उठाना है, जैसे कहीं हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे, वहाँ पे, एयरपोर्ट पे, और अगर दोनों हाथ में पूरा भारी भारी पूरा भरा हुआ लगेज है, जैसा हम लोग इंडियंस ज़्यादातर ले करके जाते हैं, लगेज बंदे से भारी होता है, सही है नहीं है। तीन तीन बंदे बैठ बैठ करके उसको पैक कर रहे होते हैं घर पे, माँ चढ़ी होती है और साथ में बच्चे भी, बेटा तू भी आ जा, तू भी आ जा, पति अरे तू क्या देखा, इधर बैठ, सारे बैठे हुए हैं और उसको बंद कर रहे हैं, फिर उसको उठा रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी मसल स्ट्रांग है तो आप उठा लोगे, एफर्टलेसली उठा लोगे, इसी को तो फिजिकल स्ट्रेंथ कहेंगे। एक है बहुत एफर्ट लगा के आपको कुछ छोटा सा काम करना पड़ रहा है, एक है बहुत बड़ा काम भी आप कर रहे हो बिना किसी एफर्ट के। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रांग है, आपकी मसल स्ट्रांग है। बिल्कुल इसी तरह से थिंकिंग मसल्स, यानी कि कोई प्रॉब्लम आई तो आप ये देख सकते हो आपकी थिंकिंग मसल्स कैसी है बेस्ड अपॉन कि आपका रिएक्शन कैसा है जब कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तीन सिचुएशंस हैं यहाँ पे, तीनों को एक एक करके देखते हैं। एक है कोई बड़ी प्रॉब्लम आई हमारे सामने और हमने अपने हथियार डाल दिए और हम एकदम से परेशान हो गए, तो हम क्या कहेंगे, हमारी मेंटल मसल्स कैसी है? वीक है। मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया कि लगेज थोड़ा सा भारी है तो लगेज भारी है मैं नहीं उठाऊंगा, अरे भाई अपने आप को स्ट्रांग कर, मैं आगे ट्रैवल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि लगेज भारी है, मैं तो यही रहूंगा, बस स्टैंड पे ही रहूंगा मैं तो, मैं नहीं जाऊंगा। आप हंस रहे हो लेकिन ऐसे हम करते हैं लाइफ में, कोई बड़ी प्रॉब्लम आई तो हम क्या करते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं, मतलब वी गिव अप, फेस ही नहीं करते हैं उस प्रॉब्लम को। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो इस दुनिया में, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, बट सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए वी नीड थिंकिंग मसल्स, वी नीड टू थिंक अ लॉट इन द राइट डायरेक्शन। और ये राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन क्या है, राइट डायरेक्शन मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, रॉन्ग डायरेक्शन मतलब प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच, कि हम प्रॉब्लम में ही जाकर के स्टक हो गए हैं, बस उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है हमारा दिमाग। इसको हम कह सकते हैं मेंटली हमारी जो मसल्स हैं वो वीक है, मेंटली हम वीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है, कोई प्रॉब्लम आई उससे हम लड़े और लड़ने के बाद में बहुत एफर्ट लगाया, बहुत दिमाग लगाया, बहुत मेहनत करी, लड़े और जीत गए, मतलब उस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। क्या हम कह सकते हैं कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो? नहीं, नो। व्हाई? एग्जैक्टली बिकॉज आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, समझ गए ना। हाँ, जैसे कोई बैग उठाना है तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ये दोनों हाथ लगा दिए और ये घसीट घसीट के जा रहे हो और पहुंच गए, कह रहे हो हाँ मैं तो ये मैं तो वो, भाई कुछ नहीं, तेरी कमर में लचक आ चुकी है,
द सेकेंड सिनेरियो इज बेटर देन द फर्स्ट सिनेरियो बट नॉट एज गुड एज द थर्ड सिनेरियो. थर्ड सिनेरियो क्या है, बड़ी से बड़ी भी कोई प्रॉब्लम आई हमारी लाइफ में, हम पहले ही उसके लिए तैयार थे और ऐसे सॉल्यूशन निकल के आ गया. मतलब वो प्रॉब्लम जो दुनिया के लिए बहुत बड़ी है, जिसको देख करके लोग डरने लग जाते हैं, वो प्रॉब्लम आपके सामने आई, ऐसे सॉल्यूशन निकल गया, एफर्टलेसली काम हो गया. यानी एक बैग आपके पास में है 50 किलो का, ऐसे उठा लिया हल्के में. मतलब लोगों को देखने में लग रहा है कि अरे बैग तो बहुत हल्का है, बैग हल्का नहीं है, उस बंदे में दम है. तो कैसे लाइफ की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को भी आप आसान से आसान बना सकते हो, कितना आसान बना सकते हो कि ऐसा लगे अरे इस बंदे को तो कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ रहा है, उसी को तो कहेंगे मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटली स्ट्रांग होना. इसको अगर मैं समअप करूं जो भी अभी तक मैंने कहा है उसको एक लाइन के अंदर अंदर, तो वो क्या है, एक कैटेगरी होती है लोगों की जो सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम्स को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अपने माइंड में. 99% लोग ऐसे ही हैं इस दुनिया में, सिंपल सी प्रॉब्लम है कुछ भी नहीं, उसको भी इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है जैसे पता नहीं क्या हो गया, हवा बना दिया है पूरा का पूरा. और दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, वही होते हैं जिन्होंने एक्चुअल में काम किया होता है अपनी मेंटल मसल्स के ऊपर. वो कौन होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सामने, जिसको देख करके ही बंदा कहे अरे यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भी सिंपल बना देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई रिलेशनशिप है किसी के साथ में और वहां पे बहुत क्लैशेस चल रहे हैं, बहुत मेजर कुछ इश्यूज हो रहे हैं. एक तो ये आपस में हम लड़ते मरते रहे कुत्ते बिल्ली की तरह, जैसे ज्यादातर घरों में होता है, उसका कोई सोल्यूशन निकल पाएगा कभी भी नहीं. तो हमें क्या करना होगा, समझना होगा इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है क्या. अज्यूम नहीं करना है पहले से कि प्रॉब्लम उसमें है या प्रॉब्लम मुझ में ही है, ये भी एक विक्टिम मेंटालिटी होती है, मेरे में ही कमी है. वो तो सब सही है बस मेरे में ही कमी है जी. ये भी बड़ी गंदी मेंटालिटी होती है विक्टिम मेंटालिटी, या तो या फिर तुझ में प्रॉब्लम है, मैं सही हूं तू गलत है. तो पर्सन को ना देखा जाए कि वो या वो, प्रॉब्लम को समझा जाए, प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या हो रही है रिलेशनशिप, वो जो क्लैश हो रही है उसकी जड़ क्या है, उसका कॉज क्या है. अगर वो हमको समझ आ जाता है बारीकी से, तो क्या वो प्रॉब्लम जड़ से ठीक नहीं हो जाती. और अगर हम उसको ना समझे और ऊपर ऊपर से ठीक करने की कोशिश करें, क्या वो कभी भी ठीक हो सकती है. कोई भी मिल करके क्या उसको ठीक करवा सकता है उस प्रॉब्लम को. जैसे दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, कोई तीसरा आ जाए उनके बीच में मीडिएटर बन करके, मैं सॉल्व करवा दूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम, तो कुछ देर के लिए तो वो समझौता करा सकता है, लेकिन अगर परमानेंट उसका सोल्यूशन चाहिए तो वो कैसे होगा. या तो दोनों को या दोनों में से किसी एक को बारीकी से समझना होगा नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है. And that could be very simple. समझ गए, मतलब लगता क्या है ये स्पेशली जो रिलेशनशिप्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड. समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें. कई बार होता है कि बहुत ही सिंपल होता है उसका सोल्यूशन. अगर मान लो मेरी किसी के साथ में रिलेशनशिप है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको बारीकी से ऑब्जर्व किया, अच्छा प्रॉब्लम हो क्यों रही है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसकी जड़ क्या है. तो जब जड़ तक गया तो मैंने देखा कि अच्छा मैं कुछ इस तरह से बोलता हूं जहां से पूरा खेल शुरू होता है. अगर मैं ये ना बोलूं तो, और इसकी जगह ये बोल दूं तो, क्या खेल अलग डायरेक्शन में नहीं चला जाएगा. दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. आप कह रहे हो दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. हाँ जी सर. ध्यान से समझना, अब ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच है या सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है. ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच है जिसका कोई दुनिया में सॉल्यूशन नहीं है. ये बिल्कुल ऐसा है कि सरकार को तो अपना काम अच्छे से करना चाहिए. ये जो चाहिए है ना, ये हमारे इंडियंस की नस नस में दौड़ रहा है. सड़कों पे सबको अपनी गाड़ी ढंग से चलानी चाहिए, रेड लाइट पे सबको रुकना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यहाँ पे सफाई होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, जो कभी नहीं होगा. तो क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या है. ये हो गई प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग, कि हमारी लड़ाई की जड़ क्या है, मैं तो उसको समझता हूँ वो मुझे नहीं समझती. समझ गए ना, आ गई ना प्रॉब्लम. जबकि सॉल्यूशन क्या है, मुझे ही समझना है, खत्म. Thank you so much for coming.